विराट कोहली के फिटनेस के सामने केएल राहुल और गिल के निकल गई सारी हेकड़ी। बीच मैदान विराट कोहली के फिटनेस के आगे फेल हुए राहुल और गिल लगाई लंबी लंबी डाइव। विराट ने की ऐसी फील्डिंग, कोच गंभीर तो गंभीर, सभी खिलाड़ियों की आंखें खुली की खुली रह गई। चेन्नई में टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप पूरे जोर शोरों से चल रहा है। लगातार दो दिन की प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ियों को एक दिन का ब्रेक मिला था और फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए लगे इस कैंप में सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी पर पूरा जोर नहीं है बल्कि फील्डिंग पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे ही एक फील्डिंग सेशन में सभी खिलाड़ियों को दो अलग अलग टीमों में बांट दिया गया जिसमें विराट कोहली की टीम ने बाजी मार दी। टीम इंडिया में जब कभी सबसे फिट खिलाड़ी की बात होती है उसमें विराट कोहली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। विराट इस समय सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में शुमार है। बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर को चेपॉक में खेले जाने वाले टेस्ट मैच से पहले टीम के सभी 16 खिलाड़ियों ने मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान जमकर पसीना बहाया। इस प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली का जलवा देखने को मिला। उन्होंने अपनी फील्डिंग और फिटनेस से केएल राहुल, शुभमन गिल समेत टीम के कई युवा खिलाड़ियों तक को पीछे छोड़ दिया। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों में लगा सकते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट इस समय बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ फील्डिंग पर भी काफी ध्यान दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभ्यास सत्र के दौरान खास तरह का प्रैक्टिस सेशन रखा गया। फील्डिंग कोच टी दिलीप के नेतृत्व में भारतीय टीम को दो खेमों में बांटा गया और उनके बीच एक खास प्रतियोगिता कराई गई। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच इस फील्डिंग कंपटीशन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बीसीसीआई द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में फील्डिंग कोच टी दिलीप सभी खिलाड़ियों को कड़ी प्रैक्टिस कराते दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया, पूरा आइडिया ये था कि पूरी टीम मिलकर ड्रिल करे। हमने इसे दो सेगमेंट में बांटा। पहला सेगमेंट कंपटीशन ड्रिल था जिसमें हमने दो ग्रुप बना दिए और उनके बीच कैचिंग का कंपटीशन कराया। जिस ग्रुप ने कम गलती की उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। आज विराट कोहली की टीम ने इस कंपटीशन को जीता है। फील्डिंग से अलग बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन का डटकर सामना किया। इस दौरान बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को खासा परेशान किया है। बुमराह और कुछ अन्य नेट गेंदबाजों ने जायसवाल के तो स्टंप्स भी घेर दिए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिनर्स के खिलाफ बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान दिया जबकि दलित ट्रॉफी के दूसरे राउंड का मैच खेलने के बाद सरफराज खान पहली बार टीम इंडिया के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बने हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज किसी भी टीम के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली। भारतीय टीम लगभग 6 महीने बाद कोई टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी जबकि बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से हराया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है जिसका पहला मुकाबला 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला कानपुर में होगा। पहले टेस्ट के लिए दोनों ही टीमें चेन्नई पहुंच चुकी हैं और मैच की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को उसके घर में 2-0 से मात देकर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बांग्लादेशी टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है। भारत के लिए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए बेहद अहम है। तो आप भी विराट कोहली की इस फील्डिंग पर अपनी राय दीजिए, साथ इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।